सोच रही थी कि मेरी शादी राम के साथ में। आज इस प्रकार से मैया सीता गिरजा मंदिर में आ जाती, गिरजा मैया से कहती कि मेरी शादी मां राम से ही कराना, क्योंकि भक्तों बताया गया है आज पत्थर के मूरत से निकल करके मैया गिरजा प्रकट हो जाती। जवाब दिया सीता, किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम्हारा विवाह राम के ही साथ। भक्तों बताया गया आज लोग कहते हैं कि मंदिरों में भगवान नहीं है, पत्थरों में इन मूर्तों में जो मूर्ति होती है इनमें कोई शक्ति नहीं, मगर ऐसा नहीं है कि प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। जवाब दिया, किसी भी बात की चिंता मत करो और मैं तुमको वरदान वचन दे रही हूं कि तुम्हारी शादी राम के ही साथ में होगी। भक्तों आज मैया सीता
महलों में आ जाती, जब महलों में आ जाती है इधर मर्यादा पुरुषोत्तम राम गुरु विश्वामित्र के पास में पहुंच जाते। भक्त को बताया गया है जिस समय जिस घड़ी का इंतजार था आज वो समय आ जाता है। उसी समय मैया सीता के स्वयंवर के पत्र बड़े बड़े राजाओं को भिजवाया गया है। और जब मैया सीता का स्वयंवर का दिन आया है तो एक से एक राजा आए हुए हैं, एक से एक योद्धा आए। और मैया सीता के स्वयंवर में रावण भी आया है। मालूम है कि रंगभूमि और जब सिया पग धारी और देख रूप मोही मेरी नारी रंगभूमि जब सियप गुधारी और देख रूप मोहे नर नारी। जब मैया सीता ने रंगभूमि में पैर को रखा तो सभी लोग देख करके मोहित हुए। मगर आजकल के जमाने में एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती है, क्योंकि गोस्वामी बाबा ने लिखा है क्या कि मोहे न नारी और नारी की रूपा अनुपा। आजकल का ऐसा जमाना है एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख करके भक्त मोहित नहीं होती, क्योंकि जिस समय भगवान ने रंग भूमि में पैर को यानी मैया सीता ने रखा तो देखे इनका पगधारी नाम कब से पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, क्योंकि बताया गया है भक्त कि जब से नारी अवहीनकारी अब तब से नाम पड़ा पगधारी, तब से नाम पड़ा पगधारी। जब से जब से नारी अहिल्या तारी तब से नाम पड़ा पगधारी, तब से नाम कि जब से नारी अहिल्या तारी और तब से नाम पड़ा पगधारी। जब इन्होंने अहिल्या का उद्धार किया था और तभी से इनका पगधारी नाम पड़ा। भक्तों जिस समय धनुष को तोड़ने के लिए एक से एक योद्धा एक से एक राजा 10,000 योद्धा आए हुए
राजा भक्तों, एक एक योद्धा करके आज जब धनवे के पास में जा रहे और मालूम है धनुष को उठाना तो दूर रहा, कोई हिला तक नहीं सका। भक्तों आज मैया सीता भी सोच रहे हैं, हे भगवान ये 10,000 योद्धा है, अगर ये धनुष को तोड़ देंगे तो मैं किनके किन किन लोगों के वहां जाऊं, क्योंकि सीता एक है और राजा 10,000 है। कि एक एक योद्धा देखो और धनवे के पास में जाने लगे, अपना अपना बल देखो अब धनवे पे अजमाने लगे। एक एक योद्धा देखो धनवे के पास में जाने लगे, अपना अपना बल देखो अब धनवे पे अजमाने लगे। आज धनवे के पास में एक एक योद्धा जा रहे, मगर तोड़ना तो दूर रहा, किसी ने हिला नहीं पाया धनुष को। देखिए रावण भी गया है धनुष के पास में। बताया गया है भक्तों, रावण ने जब धनुष को उठाया तो मल मूत्र निकल पड़ा, तो रावण समाज में शर्मा गया, तो उसी जगह पे एक बार सब लोग भगवान का नाम बोलेंगे। अरे राम रटना हो हरी नाम रटना, शिया राम रटना हरी नाम रटना, हिया भक्त ने लगाई श्री राम रटना। जब भीड़ पड़ी भगतन पे, ए जी जब जब भीड़ हरी पड़ी भगतन पे, तब भगतन को तरसा दिखायो अपना, हाई भगतन को तरसा दिखायो अपना। राम रटना हो सिया राम रटना, और द्रुपदी घेरी जब कौरव ने, ए जी द्रुपदी घेरी जब कौरव ने, तो सभा में चीर हरि बढ़ायो अपना, ए जी राम रटना हो हरि नाम रटना। Thank you.
भक्तों, आज किसी ने जब धनुष को तोड़ नहीं पाया तो इधर मिथिलापति सोच रहे हैं, घुटनों के बल बैठ गए खोपड़ी को पकड़ करके। अरे हमको लग रहा है मेरी बेटी सीता कुंवारी ही रह जाएगी, इतने योद्धा है, क्या इनमें कोई भी नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके। आज मिथिलापति भक्त रोने लगे, अफसोस कर रहे हैं, हमको लग रहा है मेरी बदनामी हो जाएगी। भरी सभा के बीच में अगर ये मुझे पहले मालूम होता तो मैं सीता के स्वयंवर का अनुष्ठान नहीं करता। अरे हम किसे कहे बलशाली है, अब मुझको तो एहसास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं स्वयंवर नहीं रचता और मेरी भरी समाज में बदनामी नहीं होती। ऐसा ख्याल होता पहले तो ऐसी गति नहीं होती, हाय करती नहीं प्रतिज्ञा यह, करती नहीं प्रतिज्ञा यह, राजा की हंसी नहीं होती। कि है दीप दीप के राजागढ़, और हम किसे कहें बलशाली हैं, और मुझको तो एहसास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। ऐसा ख्याल होता पहले तो ऐसी गति नहीं होती, और करते नहीं प्रतिज्ञा यह, राजा की हंसी नहीं होती। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं ये मेरी बदनामी नहीं होती। भक्तों इस प्रकार से आज मैया सीता भी जयमाल को लिए खड़ी, मगर मिथिलापति आज भक्तों अफसोस कर रहा है। मोहनलाल भैया 5-10 मिनट रुको, फिर जाना। आज भक्तों मैया सीता ने किया क्या, इधर एक एक करके जब योद्धाओं ने किसी ने धनुष को नहीं तोड़ पाया तो जब मिथिलापति ने यह शब्द कहा है, कितने योद्धा थे, किसी ने भी हमको लग रहा है पृथ्वी वीरों से खाली है, तो काव लोग तो ना उठे मगर लक्ष्मण उठ पड़े। लक्ष्मण ने जवाब दिया, ए क्या कह रहे हो पृथ्वी वीरों से खाली ए? अगर जो इस तुम धनुष की बात कर रहे हो ना, ऐसी धनवा तो हमने बचपन में खेल खेल करके तोड़ दिया, और तुम इस धनुष की बात कर रहे हो कि अभिमान त्याग कर कहता हूं और आदेश गुरु का पाऊं मैं, तो धनवे की क्या बात चले, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। राजा
त्याग कर कहता हूँ, आदेश गुरु का पाऊं मैं और धनवी की क्या बात चले, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। तुम इस धनवी की बात कर रहे हो? अरे मैं सारा ब्रह्मांड उठा सकता हूँ, सारा ब्रह्मांड। भक्तो जो इतने शब्द कहे हैं आज, गुरु विश्वामित्र ने राम से कहा कि राम बेटा एक काम करो, इस धनुष को आप तोड़ दो जाकर के, और जब ये शब्द कहा कि ये धनुष आप तोड़ दो जाकर के, तो आज जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम उठे हैं तो हुआ क्या कि जिस समय उठाया धनवी को कि बिजली सी चमकी उठी छैया, जिस समय उठाया धनवी को बिजली सी चमकी उठी छैया, समय उठाया धनवी को बिजली से चमकी उठी छड़ में, इतनी में जड़ जड़ शब्द हुआ फिर गूंजा एक तड़ाका शब्द, इतनी में जड़ी जड़ शब्द हुआ फिर गूंजा एक तड़ाका शब्द, रघुनंदन ने धनुष तोड़ दिया दुनिया में हुआ धमाका शब्द, जिस समय धनुष को उठाया है मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, आज धनुष को जब तोड़ा है तो सारे संसार में ऐलान मालूम हो गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने धनुष को तोड़ दिया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। देखे आज तपलक मैया सीता पास में आ गई, सारी सखियां आ गई, सखियां कह रही और लला थोड़ा झुक जाओ, मेरी लड़की नहीं छोटी है, छोटी आप बड़े हैं। तो लक्ष्मण ने जवाब दिया मेरे भैया नहीं झुकेंगे, अगर आज स्त्री के आगे झुक गए तो सारी जिंदगी झुकते ही रहेंगे, मेरे भैया नहीं झुकेंगे। अब सीता क्या सोच रही है कि तुम बड़े हो हम ही छोटी, कि तुम बड़े हो हम ही छोटी, अरे कैसे हार गले में डाल, सोचे सिया धड़के जिया कैसे मैं इनको हाँ पहनाऊंगी पहनाऊंगी, जो ना मैं पहना पाऊं इस हार को मारो शर्म के मर जाऊंगी। ए तुम बड़े हो हम ही छोटी, तुम बड़े हो हम ही छोटी, कैसे हार गले में डालो,
इस प्रकार से आज सीता सोच रही है कि मैं कैसे जयमाल को डालूं। भक्तों, सखियों ने जवाब दिया, ए थोड़ा झुक जाओ ना, काफी समय हो गया था भक्तों खड़े खड़े। सखियां भी परेशान हो रही थी। लक्ष्मण ने जवाब दिया, मेरे भैया नहीं झुकेंगे। तुम्हारे भैया नहीं झुकेंगे? नहीं। आज भक्तों एक सखी बोली, ए राम सुनो,